केस रखे हुए सी कृष्ण जी ने, तो हुणे लोग कटाउण लग गया। 3000 साल होए राजा नंद एक होया शूद्र, जदों उहदा राज आया सी ना उहने इह पुठी रीति चलाई सी। किसी नूं इह गल दी तां समझ लगी उहने कटाए क्यों सी, उहनूं इह सी कि हुण मेरा राज आ, मैं शूद्र हां, कितें ब्राह्मण बरनियां फेर के माला फेर फेर के मेरा राज ना उलटा देण। उहने इकट्ठे करके ब्राह्मणां नूं पुछिया सी वी दसो जिहड़ा मंत्र है इहदा असर किवें मुक जांदा। कहिंदे जे केस कट्टे होण फिर मुक जांदा, जां कोई तंबाकू पीवे। केस कट्टे होण कहिंदे अच्छा, कुछ लालची ब्राह्मणां नूं पैसे दे के उहनां दे केस कटवा दित्ते। कहिंदे चलो निशानी वजों बोधी रख लो, इह दसवें पातशाह दे इतिहास साखी आउंदी आ। संगत ने पुछा ही महाराज केस कदों कदों कट्टण लगे लोग, उदों महाराज ने कहा 2500-3000 साल पहलां दी गल है भाई, राजा नंद होया शूद्र, उहने आपदे राज नूं डिगण तों खतरे तों केस कटाउणे लालच दे के दबका के किवें ना किवें एक वारी शुरू करते, मुड़ के लोगों लग्या वे सौखा जिहा काम है। चलो वह तो कई भाड़दे ही सीगे, उदों तो फिर लोग केस कटाउण लग पे। इस करके कृष्ण जी का नौ केसवा तां पिया, सो केसो केसो कूकिया ना सोईया, सार रात दिसके कूकने कबो के सुना पुकार, केसो केसो परमात्मा नाम तां पिया, क्योंकि परमात्मा ने भी केस ने। हुण इत्थे तर्क उठ खड़दी है भी उहदा तां सरूप ही नहीं हैगा, चक्कर जिहे नाल बन जा ते अर पात नहिं जिहे मानदे आ, वह निर्गुण सरूप जा, सरूप धारदा नहीं। पर जदों ये कहने के भगतां नाल उहने वचन कीते आके नामदेव नूं दर्शन दिते, कबीर नूं, फरीद नूं, वह कौन सी, वह कौन रुकावट नहीं कोई भी, निर्गुण तो सरगुण च तू नहीं आ सकदा, उह ते बैन नहीं लग्या होया। जे भगत की इच्छा हो जाए पहलां तां प्रकाश दे ही दर्शन हुंदे ने, जदों परमेश्वर आउंदे कोई देवता आउंदा कोई होर आउंदा पहलां प्रकाश हुंदा, बहुत प्रकाश हुंदा एकदम, फिर उहदे विचों उह आकार बना के दर्शन दिंदे ने। परमात्मा भी इस तरह ही दिंदे भगतां नूं दर्शन, तां दसदे ने उहनां दे केस ने, परमेश्वर ने तां ही उह केस रखाए, दाढ़ा रखाया सुंदर। परमेश्वर जी कोल हर वक्त श्री साहब जां तीर फड़िया हुंदा, कहिंदे ने दस्तार बन्नी हुंदी आ उहनां ने, उह इस करके परमेश्वर जी सारिआं नूं आपणे जिहड़े पंज ककार खालसे नूं बख्शिश कीते ने, करैतां तों बचण लई हुक्म होया, नितनेम उत्तों ही निरंकार वल्लों ही हुक्म होया होया कि पंज बाणियां सवेरे पढ़नियां, रह रहा शाम नूं पढ़ाओ कीर्तन सोहला। दसवें पातशाह जिहड़ा आदि श्री दसवें ग्रंथ भी उच्चारण कीता अकाल पुरख दे हुक्म विच होया, उह भी उन्होंने कहा ये आह ग्रंथ भी उच्चारण करो।